आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लर्निंग मेड इजी। आज के सेशन में हम बात करेंगे डे आफ्टर एंड बिफोर के सेकंड पार्ट की। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में जो क्वेश्चन हमको करने हैं उनके लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे? यहां पे हमसे बात करी जाएगी कि बीते हुए कल से या आने वाले कल की। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहे बीते हुए कल से दो दिन पहले या आने वाले कल के तीन दिन बाद, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो यहां पर जब भी आने वाले कल और बीते हुए कल की बात हो तो ध्यान रखना ऐसे केस में तीन दिन हमेशा साथ में रहते हैं। नंबर वन, टूडे। टूडे मीन्स आज। सेकेंड, टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल। क्या कहेंगे इसको? आने वाला कल। ऐसी यस्टरडे। यस्टरडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीता हुआ कल। तो अब तो जब भी बात हो आने वाले कल या बीते हुए कल की तो ध्यान रखना ये तीन दिनों का जोड़ा हमेशा क्या रहेगा? साथ में रहेगा। आज, आने वाला कल और बीता हुआ कल। अब यहां पे हमसे इस तरीके से कहेगा आने वाले कल के दो दिन पहले या बीते हुए कल से चार दिन पहले। तो ध्यान रखना यहां पे कुछ भी बोले, चाहे दो दिन पहले बोले या दो दिन बाद बोले, तो आपको वो जितने दिन कहे उनको ऐड कर दो या घटा दो। जैसे मैं कहता हूं यहां पर कि आने वाले कल के तीन दिन बाद। क्या कहा मैंने? आने वाले कल के तीन दिन बाद। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां तीन दिन ऐड कर देने। वन टू थ्री, कितने दिन ऐड हो गए? तीन। अब मैं कहूं कि बीते हुए कल से पांच दिन पहले। क्या कहा मैंने? बीते हुए कल से पांच दिन पहले। तो आपको कितने यहां दिन बनाने हैं? पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पार्ट में बस यही कॉन्सेप्ट है कि एक तो ये तीन दिन साथ में रहते हैं, आज, आने वाला कल और बीता हुआ कल। अगर वो कहे दो दिन बाद तो आप दो ऐड कर दोगे, कहेगा दो दिन पहले तो आप दो घटा दोगे। वो कहे चार दिन बाद तो आप कितने ऐड कर दोगे? इसमें चार ऐड कर दोगे। इस तरीके से वन टू थ्री फोर। ठीक है, वो कहता कि बीते हुए कल से पांच दिन पहले तो आप यहां पे कितने ऐड कर दोगे? पांच। तो बस यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं इस पर क्वेश्चंस स्टार्ट कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो मेन बात क्या है, ये तीन दिन जो है हमारे साथ में रहते हैं और वो कहेगा दो दिन बाद तो आप दो जोड़ दोगे, कहेगा दो दिन पहले तो आप दो घटा दोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में हमसे कहा है यदि बीते हुए कल से दो दिन पहले शुक्रवार है। तो हमसे क्या कहा? बीते हुए कल। तो जैसे ही आपको सुनाई दे बीता हुआ कल या आने वाला कल तो आप अपने तीन दिन का जोड़ा बना लोगे। क्या? टूडे। टूडे मीन्स आज। टुमारो मीन्स आने वाला कल, आने वाला कल, और उसके बाद यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। हम इन तीन का जोड़ा बना लेंगे। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है यदि बीते हुए कल से दो दिन पहले। कितने दिन पहले? दो। तो आप सीधे सीधे दो घटा दोगे, एक, दो। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में कहा दो दिन बाद या तीन दिन बाद तो वो जितने दिन बाद कहता है उतना जोड़ दो। कहता है दो दिन पहले तो दो घटा दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये तीन दिन का जोड़ा साथ में रहेगा। तो हमसे कहा यदि बीते हुए कल से दो दिन पहले शुक्रवार है तो यह बीता हुआ कल। एक, दो, क्या दिया है? शुक्रवार, फ्राइडे। तो बताइए कि आने वाले कल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यह आने वाला कल है। आने वाले कल के कितने दिन बाद? एक दिन बाद। तो इसकी बात कर रहा है, बस निकाल दो ये फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कहा है यदि आने वाले कल के एक दिन बाद मंगलवार है। फिर से आने वाला कल की जैसी बात हुई मैं तीन दिन बना दूंगा। टूडे, टुमारो और यस्टरडे। तो इन्होंने कहा यदि आने वाले कल के एक दिन बाद मंगलवार है तो ये आने वाला कल है कितने दिन बाद? एक। तो ये क्या दिया है? मंगलवार, ट्यूजडे। फिर से सुन लेना, फिर से सुन लेना, यदि आने वाले कल से एक दिन बाद मंगलवार है, मैंने बना दिया, तो बताइए कि आने वाले कल के एक दिन बाद से दो दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो अब आने वाले कल के एक दिन बाद से कितने दिन बाद? दो। तो मतलब दो और जोड़ दो। पूछा कौन सा दिन होगा, तो ये है ट्यूजडे, ये वेडनेसडे और ये थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्सडे।
सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमसे कहा यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार है, फिर से वही टुडे टुमारो और यस्टरडे, आज आने वाला कल बीता हुआ कल, इन्होंने कहा है यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार है मतलब संडे, तो बीता हुआ कल इससे कितने दिन पहले, एक, तो मैंने एक जोड़ दिया यहां पे घटा लिया, तो यहां पे क्या आ गया रविवार, रविवार मींस संडे। तो इनका तो ज्ञात कीजिए आने वाले, ज्ञात करें कि आने वाले कल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आने वाले कल के कितने दिन बाद, एक, तो एक जोड़ लिया, बताओ कौन सा दिन होगा, संडे के बाद मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे, आंसर समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, यदि आने वाले कल से एक दिन बाद रविवार है, तो तीन दिन बनाते अपने टुडे टुमारो और यस्टरडे, बना लिए तीनों दिन। तो यदि आने वाला कल, आने वाला कल है आने वाले कल से एक दिन बाद, तो मैंने एक जोड़ा, क्या है संडे, तो ज्ञात करें कि आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए, तो आने वाला कल कौन है, यही है आने वाला कल, यही है आने वाले कल के लिए बीते हुए कल से, आने वाले कल के लिए, तो आने वाले कल के लिए बीता हुआ कल ये होगा। तो अब इन्होंने कहा यदि, तो ज्ञात करें कि आने वाले कल के लिए बीते हुए कल से, तो इसके लिए बीता हुआ कल ये हो जाएगा, बीते हुए कल से एक दिन पहले कौन सा दिन है, तो बीते हुआ कल, अब इसके लिए बीता हुआ कल ये हुआ, इससे एक दिन पहले मतलब इसकी बात हो रही है कि कौन सा दिन होगा, तो ये संडे है, संडे से पहले क्या आता है सैटरडे, ये आएगा फ्राइडे और ये आ जाएगा थर्सडे, तो हमारा आंसर क्या हो गया थर्सडे। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा, इन्होंने कहा यदि आने वाले कल से एक दिन बाद रविवार है, तो आने वाला कल ये होता है, आने वाले कल से एक दिन बाद रविवार है, हो गया। फिर उन्होंने कहा तो ज्ञात करें कि आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए बीते हुए कल से, आने वाले कल के लिए मतलब इसके लिए, बीते हुए कल से मतलब इसके लिए बीता हुआ कल ये हुआ, बीते हुए कल से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो कौन सा आया थर्सडे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार है, टुडे टुमारो और यस्टरडे, तो इन्होंने कहा यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार है, अब बीता हुआ कल ये होता है, तो बीते हुए कल से कितने दिन पहले, एक दिन पहले, तो एक दिन पहले क्या है शुक्रवार फ्राइडे, तो ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए या बताइए आने वाले कल के, आने वाला कल कौन सा है, ये है आने वाले कल के एक दिन बाद, आने वाले कल के एक दिन बाद, एक जोड़ दिया, आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, अब इसके बाद कितने दिन, तीन, एक दो तीन, कौन सा होगा, तो हमें ये बताना है तीसरा दिन कौन सा होगा, तो एक दो तीन हमने जोड़ लिए, तो फिर से गिन लो फ्राइडे के बाद, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आंसर क्या आ गया फ्राइडे ही आ गया, आंसर क्या आ गया फाइनल आंसर फ्राइडे ही आ गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माह की 9 तारीख, इस बार क्या कहा यदि माह की 9 तारीख मतलब किसी महीने की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, रविवार से एक दिन पहले मतलब संडे है, क्या है संडे, तो इन्होंने कहा यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, तो महीने की 9 तारीख संडे से एक दिन पहले, तो यहां पे कितनी तारीख है 9, तो ये क्या हो जाएगी 10, ठीक है। तो यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें महीने की पहली तारीख का दिन क्या होगा, तो किसका दिन पूछा है महीने की पहली तारीख का, तो अब ये 10 तारीख है और ये 9 तारीख है, तो उससे पहले क्या आएगी 8 7 यहां पे कितनी होगी 6 5 4 3 2 1, तो इन्होंने किसका दिन पूछा है महीने की पहली तारीख का, अब आपको पता है 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 7 दिन पहले भी वही दिन होगा, तो एक, अब इसको हम मिटा लेते हैं, संडे को कौन सी तारीख है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे 3 तारीख का भी क्या होगा संडे, 7 दिन बाद फिर से वही दिन आ गया संडे, अब संडे से पहले क्या आता है सैटरडे और सैटरडे से पहले फ्राइडे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे, तो महीने की 1 तारीख का दिन क्या हुआ फ्राइडे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा अनिल किसी जगह पर
शुक्रवार को पहुंचता है, ठीक है। अनिल किसी कहीं किसी जगह पर वो पहुंचा, तो अनिल किसी जगह पर शुक्रवार को पहुंचता है, वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंच जाता है। तो देखो, अनिल कब पहुंचा है? फ्राइडे को। अनिल पहुंचा है हमारा फ्राइडे को, ठीक है। अब इन्होंने कहा जो अनिल पहुंचा है फ्राइडे को, अनिल किसी जगह पर शुक्रवार को पहुंचता है, वह उस जगह पर निर्धारित दिन से, जो निर्धारित दिन होता है कि इस दिन पहुंचना था, उस दिन से 3 दिन पहले ही पहुंच तीन जाता दिन है। बाद तो जो निर्धारित होगा दिन वो 3 दिन बाद आएगा ना। तो 1, 2, 3, तो ये हमारा कौन सा दिन है? निर्धारित दिन। तो अनिल निर्धारित दिन से कितने दिन पहले पहुंचा? 3 दिन पहले। और ये कौन सा दिन है? शुक्रवार, ठीक है। तो इन्होंने कहा यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता, अगर यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता, आने वाला रविवार मतलब शुक्रवार के बाद जो पहला रविवार पड़ेगा, यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता तो ज्ञात करो वह निर्धारित दिन से कितने दिन पहले या कितने दिन बाद में पहुंचता, ठीक है। तो अब देखो, यह शुक्रवार है, तो इन्होंने कहा यदि वह शुक्रवार की जगह कब पहुंचता? आने वाले रविवार को। तो शुक्रवार के बाद फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे, संडे, मतलब ये पहुंच गया आने वाला संडे, यही हुआ रविवार। तो इन्होंने पूछा वह निर्धारित दिन से कितने दिन पहले या कितने दिन बाद में पहुंचा, तो निर्धारित दिन तो ये था ना, इससे कितने दिन पहले पहुंचा? 1 दिन पहले। तो हम कह देंगे 1 डे अर्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा निर्धारित स्थान पर फ्राइडे शुक्रवार को पहुंचने पर, निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच गया हूं, ठीक है। तो इन्होंने कहा निर्धारित दिन से कितने दिन पहले पहुंच गया हूं? 2 दिन। तो जब ये पहुंचा तो इसको क्या पता चला कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो अब देखो, मान लो ये निर्धारित दिन है, ये कौन सा दिन है हमारा? निर्धारित दिन। तो उसने कहा मैं निर्धारित दिन से कितने दिन पहले? 2 दिन। 1, 2। तो अब निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पर, कब पहुंचा था? ये शुक्रवार को, ठीक है। निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पर मुझे ज्ञात हुआ, तो ये पहुंचा कब था? शुक्रवार को, फ्राइडे को। फिर से सुन लेना, निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच गया हूं, मतलब इसको किसी जगह पर जाना था, पर ये कब पहुंच गया? शुक्रवार को ही पहुंच गया। और कितने दिन पहले पहुंच गया? 2 दिन पहले। तो पहुंचा शुक्रवार को और निर्धारित दिन से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले पहुंच गया। तो इसने कहा अगर मैं आने वाले बुधवार को पहुंचता तो मैं कितने दिन विलंब से पहुंचता? तो इसने कहा अगर मैं आने वाले बुधवार को, तो फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो कितने दिन विलंब से पहुंचता? 3 दिन विलंब से पहुंचता। तो आंसर क्या आ गया? 3 दिन। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद 15 जून है, तो टुडे, टुमारो और ये यस्टरडे, आने वाले कल के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। 1, 2, 3, क्या है? 15 जून। और इन्होंने 15 जून है और हमको दिन दिया है और दिन शुक्रवार है, फ्राइडे। तो उन्होंने कहा तो ज्ञात करो माह की आखिरी तारीख का दिन क्या होगा। तो सबसे पहले बात होती है यहां पर कि इन्होंने महीना कौन सा दिया है? 15 जून। तो इन्होंने पूछा माह की आखिरी तारीख का दिन, तो हमें यह पता होना चाहिए जून कितने, जून में कितने दिन होते हैं। तो जून में कितने दिन होते हैं? 30। तो मेरे को पता है जून में टोटल दिन कितने होते हैं? 30। अब मुझे पता है हर 7 दिन बाद तो वही दिन आता है, हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा। तो 15 में 7 जोड़ोगे तो 15 और 7 22, तो 22 का भी शुक्रवार होगा। फिर 22 में भी 7 जोड़ोगे तो 22 और 7 29, 29 का भी क्या होगा? शुक्रवार। तो 30 का क्या हो जाएगा? 29 का क्या है? फ्राइडे। तो 30 का क्या हो जाएगा? सैटरडे। आंसर ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि महीने का छठा दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है। इन्होंने कहा यदि महीने का छठा दिन, किसी भी महीना, महीना नहीं बताया हमें कौन सा महीना है, मतलब कोई भी महीना हो सकता है, उसका छठा दिन, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इन्होंने कहा यदि महीने का छठा दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है, किससे 3 दिन पहले? शनिवार से। तो ये छठा दिन हो गया, अब ये शनिवार से कितने दिन पहले है? 3 दिन पहले। तो शनिवार यहां होगा और ये कितने दिन पहले है? 3 दिन पहले, मतलब 1, 2, 3, समझ गए। तो फिर से सुन लेना, इन्होंने कहा यदि महीने का छठा दिन, यदि महीने का छठा दिन
शनिवार से 3 दिन पहले आता है, शनिवार से 3 दिन पहले, 1 2 3 हो गया, शनिवार से 3 दिन पहले आता है। तो महीने के 21वें दिन का कौन सा दिन आएगा, महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो अब हमें पता ही है सैटरडे है, तो सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, और थर्सडे से पहले वेडनेसडे। ठीक है, तो हमें यह पता था सैटरडे, 3 दिन पहले क्या हो गया, वेडनेसडे। तो 6 तारीख का क्या हुआ, वेडनेसडे। अब 7 दिन बाद वेडनेसडे आता जाएगा, 6 और 7, 7 6 13, तो 13 का भी क्या हुआ, वेडनेसडे। फिर 13 में भी 7 जोड़ो 20, 20 का भी क्या हुआ, वेडनेसडे। अब हमसे किसका दिन पूछा है, 21 तारीख का, तो 21 का क्या हो जाएगा, थर्सडे, बृहस्पतिवार, आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे डे आफ्टर एंड बिफोर के कुछ और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हम जो भी डाटा अपलोड कर रहे हैं वो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।